नमस्कार मेरे प्यारे मसीह भाई एवं बहनों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल जीवित परमेश्वर में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई एवं बहनों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसे पांच वचन जिसको अगर आप रात को सोने से पहले प्रार्थना में शामिल करते हैं या सोते वक्त इस वचन को बोलते हैं तो रात को आपको ना भय लगेगा और ना कोई दुख संकट आपके निकट आएगा और प्रभु आपकी रक्षा करेगा और रात को आपको अच्छी नींद प्रदान करेगा। तो आप लोग इन वचनों को देखिए और सोने से पहले इन वचनों को जरूर बोलिए, प्रभु आपको आशीष देगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वचन है नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 24 में लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वचन को सोने से पहले बोलते हैं तो ना रात को आपको भय लगेगा और रात को आपको सुख की नींद प्राप्त होगी। इस वचन को सोने से पहले जरूर बोलें। प्रभु का दूसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 3 पद संख्या 5 में है, मैं लेटकर निश्चित सो जाता हूँ और सुरक्षित जागता हूँ क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। आप इस वचन को जरूर से जरूर बोले सोने से पहले, क्योंकि प्रभु ही हमें संभालता है। हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन सुबह हम सुरक्षित जगते हैं क्योंकि प्रभु हमारी रक्षा करता है। वही हमें हर एक मुसीबतों से, हर एक विषैले जीव जंतुओं से, हर एक जादू टोने की शक्तियों से बचा के रखते हैं। इसलिए आप सोने से पहले इन वचनों को जरूर बोलें। प्रभु का तीसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 21 में है, प्रभु हड्डियों की रक्षा करता है और उनमें से एक को भी टूटने नहीं देता है। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु हमारी हड्डियों की रक्षा करता है। वे हमें, जब हम रात को सोते हैं तो प्रभु हमारी हड्डियों तक की रक्षा करता है। वह हमें कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर हावी होने नहीं देता। इसलिए दोस्तों, आप लोग सोने से पहले इन वचनों को जरूर अंगीकार करें कि प्रभु हमारी हड्डियों की रक्षा करता है, वह हमारे एक भी हड्डी को टूटने नहीं देता है। प्रभु का चौथा वचन है भजन संहिता 91 का 5 और 6 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, ना तो तू रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। दोस्तों, आपको ना रात को भय से डर लगेगा और ना उस तीर से जो दिन में चलता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग सोने से पहले इन वचनों का जरूर अंगीकार करें और इन वचनों को बोलें। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा और आपको ना तो रात के भय से डर लगेगा और ना दिन में उस तीर से जो दिन में चलती है। तो दोस्तों, आप लोग इस वचनों को जरूर बोलें। प्रभु का पांचवा वचन है भजन संहिता अध्याय 23 पद संख्या 4 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दोस्तों, आप लोग इस वचनों को सोने से पहले जरूर बोलें, क्योंकि यह वचन कहता है कि मैं घोर अंधकार की तरह से होकर क्यों न चलूं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है। इसलिए इस वचनों को जरूर बोलें, प्रभु हमारे साथ रहता है, वही हमें सामर्थ्य देता है, हमारे डर की आत्माओं को हिम्मत देता है, हमारे अंदर से हर एक डर की आत्मा को निकाल देता है और वह हमें सामर्थ्य देता है, हिम्मत देता है, जिससे कि हम नहीं डरे। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वचनों को जरूर से जरूर बोलें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना हम प्रभु के वचनों के साथ आते रहते हैं। सबों को जय मसीह की।